brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. दुनिया में इस वक्त हथियारों की होड़ लगी हुई है। कोई हथियारों को खरीदकर शक्तिशाली बन रहा तो कोई हथियारों को बेचकर। इसी कड़ी में यूएई को फाइटर जेट की जरूरत हुई और तभी चीन और अमेरिका यूएई को अपने फाइटर जेट का ऑफर देने लगे, लेकिन यूएई ने खेल कर दिया अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका पहले अपने घातक F-35 फाइटर जेट को यूएई को देने का वादा किया, लेकिन अचानक अमेरिका ने इसे लेकर देरी शुरू कर दी और फिर क्या था, चीन ने तुरंत डाका डाल दिया और यूएई को अपने J-20 को खरीदने के लिए ऑफर दे डाला। अब सवाल ये उठता है कि यूएई किसके फाइटर को अपनाता है और दुनिया के हथियारों की होड़ में भारत कहां पर है, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की जद्दोजहद में चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा। जी हां, खबर सामने आ रही कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अमेरिका से एडवांस F-35 लड़ाकू विमान हासिल करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए चीन के साथ अपने वायुसेना संबंधों को मजबूत कर रहा। हालांकि माना जा रहा कि इस बढ़ते सहयोग के नतीजतन अबू धाबी चीन से J-20 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब यूएई के संयुक्त अभियान के कमांडर मेजर जनरल अमीरी ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वायु कमांडर के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के वायुसेना के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा भी हुई। सोचिए, अमेरिका की एक लेट लतीफी की वजह से चीन ने बाजी मार ली। हालांकि एक्सपर्टों का कहना है कि ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका से F-35 हासिल करने की यूएई की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही। कुछ का तो ये भी कहना है कि अबू धाबी आखिरी में चीन के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट J-20 को खरीदने का प्रयास कर सकता है। अब अमेरिका ने क्यों देरी की ये भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने जनवरी 2021 में यूएई को 50 F-35 विमान और 18 MQ-4B ड्रोन बेचने के लिए $19 अरब के समझौते को मंजूरी दी थी। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन की केंद्रीय भूमिका और वहां चीनी सैन्य ठिकाने बनाने के संदेह के कारण वाशिंगटन की बढ़ती चिंताओं के बीच ये सौदा अटक गया। दूसरी ओर चीन के साथ तकनीकी सहयोग की सीमा के बारे में अमेरिकी शर्तों से अबू धाबी निराश हो गया। चलिए अभी जानते हैं क्या है J-20 की खासियत। दरअसल पांचवी पीढ़ी का J-20 का माइट्री ड्रैगन चीनी पीएलए वायुसेना का बेशकीमती विमान है। J-20 सिंगल सीट मल्टी रोल स्टेल फाइटर जेट है। वर्तमान में WS-10C इंजन को और शक्तिशाली WS-15 द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। WS-10C इंजन का अपग्रेड अमेरिका के F-22 रैप्टर को चुनौती देना है। एशियन मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक चीन के WS-15 इंजन की थ्रस्ट रेटिंग 150 किलो न्यूटन रेंज के भीतर होने की संभावना है, जो F-22 के इंजन को टक्कर देता है। चीनी सेना के पास लगभग 50 J-20 का बेड़ा है। ये तो रही बात चीन के लड़ाकू विमान की, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी अपने एमका से दुनिया को हैरान कर रहा। खैर, जिस तरह से अमेरिका के सामने बाज के जैसे चीन ने बाजी मारी, उसे देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।